हे मीठे मीठे बच्चों, किधर जा रहे हो? किस लिए ये दौड़? कहां है मंजिल? एक बार अंतर्मुखी होकर तो सोचो। विज्ञान के आधार पर जैसे अंतरिक्ष में जा रहे हो, वैसे आंतरिक जगत को जाना है। मैं सर्व मानव आत्माओं का पिता हूं, विशाल विश्व का अधिपति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिमूर्ति शिव परमात्मा हूं। मैं परम पवित्र परम धाम निवासी हूं। मेरे रूहानी बच्चों, तुम भी परम धाम निवासी हो। मैं हर कल्प प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक ही सत्य धर्म की स्थापना, विष्णु द्वारा स्वर्ग पालना व शंकर द्वारा पुरानी पतित दुनिया का विनाश करता हूं। इन तीनों मूर्तियों द्वारा ये महान तीन कार्य कराने वाला त्रिमूर्ति शिव परमात्मा मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हें सुख शांति से संपन्न पवित्र दुनिया में भेजा है। तुम इस अनंत विशाल जगत नाटक में कर्मों के आधार पर पांच तत्वों से बने विनाशी शरीर को धारण कर जन्म मरण के चक्र में भिन्न भिन्न नाम रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हो। मैं हर कल्प कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर जब अति धर्म ग्लानी होती है, तब पवित्र दुनिया की पुनः स्थापना के लिए दिव्य अवतरण लेता हूं। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक जन्म है। वर्तमान समय में दुनिया में चारों ओर अज्ञान का अंधकार, अराजकता, स्वार्थ और दुख प्रज्वलित है। ऐसे अधर्म के समय को ही अति धर्म ग्लानी का समय कहा जाता है। स्वरूपं शिवोहं शिवोहं ज्ञानस्वरूपं शिवोहं शिवोहं प्रकाशस्वरूपं शिवोहं शिवोहं। मैं एक साधारण वृद्ध मानव शरीर में दिव्य अवतरण लेकर सत्य धर्म की स्थापना कर रहा हूं। उस वृद्ध मानव का ही नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम सभी जन्म मरण के चक्र में अविनाशी आत्म ज्योति यानी स्वयं को भूल नश्वर शरीर के प्रभाव में आकर अल्पकाल के इंद्रिय सुख के दास बनकर दुख भोग रहे हो। मेरे यथार्थ स्वरूप को भी भूल गए हो। पांच तत्वों सहित जिस पवित्र दुनिया की मैंने स्थापना की, उसे स्वार्थ के वश में आकर तुमने अपवित्र कर दिया है। हे लाडले बच्चों, विज्ञान के अहम भाव से पूरी दुनिया का विनाश करने वाले एटम बम बनाकर अपने जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लाखों जीव राशियों में से अत्यधिक बुद्धिमान होते हुए भी विषय विकार के जाल में फंसकर स्वधर्म को भूलकर तुमने मानवीय मूल्यों को छोड़ दिया है। जब सृष्टि की अल्पकाल जीव राशि स्पष्ट कर रही है कि निस्वार्थ प्यार ही सृष्टि की रचना का
मूल आधार है, तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम्हारे विकारी संकल्प, विकारी कर्म सृष्टि की रचना के विरुद्ध है? हे मेरे अति प्रिय बच्चों, मनुष्य सृष्टि की दुर्गति एवं पतन का मूल कारण है स्वयं के अस्तित्व को भूलना और मेरे सत्य परिचय, मेरी पहचान को भूलना और देह अभिमान में आकर विषय विकारों में फंस जाना है। शीघ्र ही ये अति दुख भरी कलयुगी दुनिया समाप्त होकर पवित्र सुख शांति से पूर्ण दैवी दुनिया आने वाली है। तो अब अज्ञान रूपी निद्रा से जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। शिव परमात्मा।